गरीबों की जिंदगी सुरक्षित हो, उसके घर सुरक्षित रहे और भी गरीबों के घर बनाए जाए, ये तमाम मांग लेकर के। अभी हाल में बिहार में बेलागंज में जिस तरीके से एक मुसलमान की भीड़ ने 200 लोगों की भीड़ ने पीट करके हत्या कर दी, बॉम्ब ब्लास्टिंग की घटनाएं हुई है, बावर की मौत हुई है, उनको न्याय मिले, उनके मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए मुआवजा मिले। एक बार फिर से माले विधायक के द्वारा सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्रवाई शुरू होने से पहले जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने बैनर पोस्टर में लिखे हुए हैं कि जो है मॉब लिंचिंग करना बंद करो, बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी। देख सकते हैं कि इस तरह से जो है नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के। जहां पर 3 नौजवान बाबर, कमरुद्दीन और जाहिद, तीनों कलकत्ता में बिरयानी के काम करते हैं और 22 तारीख के 10 बजे रात को अपनी गाड़ी से जब जा रहे थे, बगल का जो गांव है पिपरा कोठी, जहां पर निकल करके 140 लोगों ने पकड़ करके चोर चोर करके उनकी पिटाई की, जिसमें बाबर की मौत हो गई है। 2 लोग PMCH और तारा मेडिकल हॉल जो नर्सिंग हॉल है पटना, वहां पर भर्ती है, जीवन मौत से जूझ रहे हैं। वहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है और वहां के थानेदार से लेकर के SP तक भी ये पलट रहे हैं। हमारी मांग है कि जो बॉम्ब ब्लास्टिंग की घटनाएं हुई है, बावर की मौत हुई है, उनको न्याय मिले, उनके मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपए मुआवजा मिले और तमाम जो अपराधी जो संलग्न है उनको दंडित किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, ये मांग है। ये जो मॉब लिंचिंग चल रहा है, ये जो नफरत का राज चल रहा है, ये जो फसाद का जो राज चल रहा है, वो राज नहीं चलने दिया जाएगा। इसके खिलाफ में भाकपा माले का प्रोटेस्ट हो रहा है। ये गए थे बेलागंज, गया जिला। हम लोग जो केंद्र प्रायोजित मॉब लिंचिंग चल रहा है उसके खिलाफ और बिहार के अंदर वास आवास का कानून बने, बिहार में गरीबों पर हाई कोर्ट के नोटिस के माध्यम से बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने विधानसभा में मांग किया, हालांकि सरकार ने कुछ पॉजिटिव कदम इसमें उठाया है और सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि बिना बसाए हुए किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हम ये मांग करना चाहते हैं कि चूंकि ये नई सरकार हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, न्याय के साथ विकास करने का हमारा संकल्प है, इसलिए गरीबों की ज़िंदगी सुरक्षित हो, उसके घर सुरक्षित रहें और भी गरीबों के घर बनाए जाए, ये तमाम मांग लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जो माले विधायक वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आपने बैनर पे लिखा हरियाणा में बजरंग दल के द्वारा उकसावे पे मॉब लिंचिंग की शिकार हो रहे हैं। देखिए, हरियाणा में बजरंग दल के लोगों ने जिस तरीके से नासिर और जुनैद के हत्या की गोरक्षा के नाम पर, तो अब बताइए कि देश में इस तरह का तो कल्चर चल रहा है जहाँ पे एक भीड़ को ये सरकार ने कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अगर आप किसी मुसलमान की हत्या करते हैं तो सरकार आपके पक्ष में खड़ी होगी, कोर्ट में आपको सरकारी वकील तक दिया जाएगा, अगर गलती से आप अरेस्ट हो गए तो बाहर निकलेंगे तो भाजपा के लोग आपको चुनाव में टिकट देंगे, माला पहनाएंगे। ये जो कल्चर एस्टेब्लिश हो रहा है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि देश में अनेक जगहों पर, बिहार में भी, अभी हाल में बिहार में बेलागंज में जिस तरीके से एक मुसलमान की भीड़ ने 200 लोगों की भीड़ ने पीट करके हत्या कर दी, तो ये तो कल्चर एस्टेब्लिश हो रहा है। इस कल्चर को रोकना होगा और सरकार को, जब इस तरह की घटना हुई तो क्या बिहार सरकार इस पर कार्रवाई नहीं की? वही तो हम कह रहे हैं कि देश में एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ, ये क्योंकि आम घटना नहीं है, मॉब लिंचिंग में किसी की हत्या कर देना और हत्या का मामला दोनों एक नहीं है, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बने देश में, एक तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और आज के आंदोलन में जो दूसरी मांग हमारी है कि बुलडोजर आज बिहार में और देश में नहीं चलना चाहिए। बिहार में भी अब बुलडोजर आज निश्चित तौर से चल ही नहीं रहा है जी। आप देखिए ना, बिहार में जल जीवन हरियाली के नाम पे जो लोग 50 साल से किसी चाट में बसे हुए हैं, सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं, अचानक से सरकार या हाई कोर्ट के ऑर्डर से उनको तुरंत उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, तो ये तो बुलडोजर राज है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई के आवाज उठा रहे हैं बिहार सरकार में रह कर आप लोग, तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारी जो जवाबदेही है वो बिहार सरकार में किसी मुख्यमंत्री किसी उप मुख्यमंत्री के प्रति नहीं है, हमारी पार्टी की जो जवाबदेही है जनता ने चुन के भेजा है, बिहार के सबसे गरीब लोगों का यकीन माले के ऊपर होता है और जिनको जिनके घर तोड़े जा रहे हैं बिहार के भीतर जल जीवन हरियाली के नाम पे, वो सबसे गरीब लोग हैं, वो 50 साल से किसी जमीन पे बसे हुए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार एक कानून बनाए
और इसका हलफनामा वो हाई कोर्ट में भी जमा करे कि बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था के एक तो घर तोड़ा नहीं जाएगा, और अगर आवश्यक हुआ किसी का घर तोड़ना भी तो बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के आप उसको वहां से तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, बुलडोजर आज जो दूसरा उसका पहलू है, जहां पे अपराध रोकने के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर हमने मजबूत कर रखा है, इस नाम पे घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। और यूपी इस मामले में सबसे आगे है, जहां पे सरकार को लगा या पुलिस को लगा कि किसी व्यक्ति की गलती है, कोई एफआईआर किसी के खिलाफ हुआ और वहां बुलडोजर पहुंच जा रहा है, तो अदालत क्या करेगा? तो अदालत का अवमानना है, ये संविधान के खिलाफ इस तरह का बुलडोजर आज है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज है। आपने देखा और सुना का क्या कुछ कहना था इन लोगों का कि बिहार में भी अब बुलडोजर राज आ गया है, ये चीज नहीं चलेगी और इसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे। वहीं पे जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना लगातार बढ़ते जा रही है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अब पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ते जा रही है, बिहार में भी इस घटना को देखी गई है, सरकार उन तमाम लोगों पे कार्रवाई करे और इसके लिए कानून बने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।